15 अक्टूबर से धान खरीदी चालू होने वाली है। कई धान खरीदी केंद्र में ज्यादा गांव जुड़े होने के कारण धान सोसाइटी में धान खरीदी का लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्रामीणों को मुश्किल होती है। राजनांदगांव ग्राम पंचायत के साल के ग्रामीण अपने गांव में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि अभी हम जोशीलमती धान केंद्र में धान बेचने जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही 6 ग्राम पंचायत जुड़ी हुई हैं। जोशीलमती धान खरीदी केंद्र में ज्यादा गांव होने के कारण धान खरीदी के केंद्र में लोड होता है, जिसके कारण धान बेचने वालों को मुश्किल आती है। पहले ही घोषणा की गई थी कि जोशीलमती के 3 गांव अलग कर दिए जाएंगे और लामता को नया धान खरीदी केंद्र बनाया जाएगा। आदिम जाति जोशीलमती सहकारी समिति में 6 पंचायत हैं, जिसमें धान खरीदी केंद्र में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शासकीय मापदंड के अनुसार 3 पंचायत को अलग किया जाना है। उसके तहत ग्राम पंचायत केसाल, गर्रापार और दहान तीनों पंचायत मिलाकर सहमति कर केसाल में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, ताकि जल्द से जल्द धान खरीदी का केंद्र चालू हो सके। और इसके पूर्व हम माननीय सांसद महोदय, माननीय सचिन बघेल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सभी को पत्र लिखकर अपना निवेदन किए हैं, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।